अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। राम मंदिर के लिए हम लोग चंदा मांगने आए थे, तो आप लोग कुछ देना चाहेंगे? मंदिर के लिए हम लोग 100 किलो का प्रदीप भेजने वाले हैं, इसलिए हम लोग मोहल्ला में घूम घूम के चंदा कलेक्ट कर रहे हैं। कौन है ये? तुम किसके साथ बात कर रहे हो? राम मंदिर के लिए चंदा लेने आए हैं। ओ, तो उन लोगों को अंदर ले आओ। इन लोगों को? पर क्यों? पहले तो अंदर ले आओ, ये बोलता हूँ। अच्छा ठीक है, आप लोग अंदर आइए। जय श्री राम। सलाम अलैकुम भाईजान। अरे वाह, इनविटेशन कार्ड। अगले 22 जनवरी को श्री राम जी की अपना जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम की मंदिर और मूर्ति का स्थापन होगा। अरे ये तो बहुत ही खुशखबरी है। आप लोग अभी तक खड़े क्यों हो? बैठिए। हाँ भैया बैठो। असल में बात ऐसा है भैया, अगले 22 जनवरी को प्रभु राम जी का अपना जन्मभूमि अयोध्या में उनका मूर्ति और मंदिर स्थापन होगा, और इसलिए हम लोग यहाँ से 100 किलो का प्रदीप भेजने वाले हैं। इसलिए हम लोग मोहल्ला में घूम घूम के चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप लोग कुछ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चाहे आपकी राम जी हो या हमारे अल्लाह, बात तो एक ही है, और हमें बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे मोहल्लों से सहयोग पहुँच रहा है। आप लोग बोलिए, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ? शुक्रिया भाईजान, आपका जो मन चाहे आप दे दीजिए, आपका क्षमता के अनुसार। भैया, धर्म के नाम पे जितना दे सके उतना ही अच्छा, और मैं भी चाहता हूँ कि हमारे मोहल्लों से जितना ज़्यादा हो सके सहयोग पहुँचे। आप लोग एक काम करिए ना, 22 जनवरी के दिन पूरा कॉलोनी को सजा दीजिए। आप लोगों का एक त्यौहार होता है ना, जिसमें आप लोग घर द्वार सब सजाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हाँ भाईजान, दिवाली। हाँ भैया, दिवाली। आप लोग उस दिन दिवाली की तरह मनाइए, घर घर में दिया जलाइए, पूरा मोहल्ला को सजा दीजिए। और आप लोगों का मंदिर के बाहर क्या बांटते हैं, जहाँ लोग खाना खाते हैं? भंडारा। हाँ भंडारा, आप उस दिन गरीबों को खिलाइए, उनको मदद कीजिए। मेरे तरफ से जितना हो सके सहयोग हम करेंगे, और मैं तो उस दिन जरूर आऊंगा, साथ में अपने बिरादरी के लोगों को भी ले जाऊंगा, और हम भी आप लोगों के खुशी में शरीक होंगे। इसमें सबको पैगाम मिल जाएगा आमना रेखता का। देखिए भैया, उस दिन आपको जरूर आना पड़ेगा। हाँ जरूर। ये लीजिए, मेरे तरफ से छोटा सा नजराना। ये तो बहुत ज्यादा पैसा है भैया, आपने जो कहा था इससे तो सब कुछ हो जाएगा। आप चाहे तो इसे कुछ वापस रख सकते हैं। नहीं भैया, देखिए धर्म के नाम से जो पैसा एक बार निकल चुका है वह हम वापस नहीं ले सकते, और देखिए आपका भगवान हो या हमारा अल्लाह, पैसे को हम बीच में नहीं लेते। आप इसे अपने पास ही रखिए, और उस दिन को बहुत धूमधाम तरीकों से मनाएंगे। हम भी आएंगे भैया आपकी खुशी में शरीक होने के लिए। 22 जनवरी को हम लोग के घर के पास आपको जरूरी आना पड़ेगा। जरूर भाईजान, मैं भी जाऊंगा, मेरे बेगम साहिबा को भी साथ लेके जाऊंगा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। अरे जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बात बोली, ये तिहार हमारा तिहार नहीं है, ये लोक हमारा लोक नहीं है, और तो और ये लोग तो हमारे मस्जिद की जगह में मंदिर बनवा रहे हैं, और आप उनको हेल्प कर रहे हैं, उनको पैसा दे रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। देखो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसमें देश के ही प्रगति हो रहा है, और इसमें कुछ बेरोजगार को काम मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। हम लोग इस देश के मिट्टी से उगा हुआ अनाज खाते हैं, इस देश के ही पानी पीते हैं, और इस देश के हवा में सांस लेते हैं,
और तो और हमारा खून भी लाल है, तो हम अलग कैसे हुए? बेगम साहिबा, तुमने ऐसा सोचोगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए, आपने ही सही बोला है। मेरे जैसे कुछ लोगों ने धर्म को बांट रखा है। हम लोग जैसे हमारे अल्लाह के पास जाते हैं मस्जिद में, उन लोगों भी उन लोगों के भगवान के पास जाते हैं मंदिर में, और हम भी उनकी खुशी में शामिल होने जाएंगे। बिल्कुल सही कहा तूने। हमारे हिंदू भाइयों का कितने दिन का सपना था, वहां पर राम मंदिर का निर्माण होगा, राम का मंदिर बनेगा। अगर आज हम उनकी खुशियों में शामिल होंगे तो वो भी हमारे खुशियों में शरीक होंगे ना। अगर हम आज उनकी हाथ में हाथ बटाएंगे तो वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे ना। और इसमें पूरा देश में भाईचारा, आमन और एकता का पैगाम जाएगा। और हम लोगों को अलग करने वाला कुछ बाहरी लोग हैं, जो हमारे मन में जहर भरकर धर्म के नाम पे आपस में लड़ा के अलग करना चाहते हैं और राज करना चाहते हैं। और तुम्हें एक बात बताऊं, हमारा जो धर्म है ना, वो तोड़ने का नहीं, जोड़ने का काम करता है। ये भी सही है। हम लोगों ने जब भी मस्जिद के लिए आवाज उठाया है, उन लोगों ने कभी भी हमको रोका नहीं है, सहयोग का हाथ बढ़ाया है। इस पर हमारा बारी है, जब हम लोग को हमारे हिंदू भाई के लिए सहयोग का हाथ बढ़ाना है। ये हुई ना मेरी बेगम साहिबा की तरह बात।